दोस्तों चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आपको भी भयंकर बर्बादी से बचना है तो ये चार गुप्त बातें कभी भूल कर भी किसी को मत बताना। कौन सी हैं वो बातें, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों चाणक्य नीति के महान पंडित आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में अपने जीवन के महान अनुभवों को साझा किया है। इसमें उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने की कई महत्वपूर्ण बातें शेयर की हैं। आचार्य चाणक्य को आज भारतीय इतिहास के महान विद्वानों में स्थान दिया जाता है। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताया है, हमें कभी भी जीवन में चार बातें किसी को बतानी नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन्हीं चार बातों के बारे में जो कि कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए। नंबर एक, जिंदगी में अपमान। दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमें अपने जीवन में हुए अपमान को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जीवन में कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जब हमारा मजाक बन जाता है। अगर आपका कभी भी जीवन में अपमान हुआ है तो उसे हमेशा गुप्त रखें। अगर आप उसे अन्य लोगों को बताएंगे तो वो आपका मजाक बनाएंगे और आप पर हंसेंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारी कदर करते हैं, अधिकतर लोग केवल एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए अपने जीवन में अपमानजनक घटनाओं को खुद के सिवा किसी और को मत बताना। हमें अपने सुखद जीवन और अच्छाई को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, ना कि अपने बुरे समय के अपमान को। इसलिए अपने जीवन में याद रखें, कभी भी अपनी पोल खुद मत खोलें और अपने अपमान को एक सपना समझकर भूल जाएं। नंबर दो, घर परिवार की गुप्त बातें। दोस्तों अधिकतर घरों में इसलिए फूट नहीं पड़ती कि उन्होंने आपस में झगड़ा किया हो, बल्कि हमेशा बाहर वाला ही घर में झगड़ा पैदा करता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने घर की बातें बाहरी लोगों को बताने लग जाते हैं तो हमारे घर की छोटी से छोटी बात बाहर वालों को पता चल जाती है और वो हमारे घर के सभी रहस्य जान जाते हैं, जिसका फायदा बाहरी लोग उठाते हैं और षड्यंत्र करके घर में क्लेश पैदा करते हैं। कभी भी बाहरी लोगों को कोई भी बात कहने से बचें। विशेषकर किसी व्यक्ति से अपनी पत्नी के चरित्र की बातें शेयर ना करें, क्योंकि पत्नी का सीधा संबंध पति के साथ होता है और पत्नी के अपमान का मतलब पति का अपमान। इसलिए अगर पत्नी भले ही कैसी भी क्यों ना हो, उसकी बातें समाज में करने से बचें। इससे आप कई परेशानियों से दूर रहेंगे। नंबर तीन, मन का दुख। दोस्तों ये समस्या बहुत लोगों की होती है, वो अपनी छोटी छोटी समस्या को हर किसी को बताने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं होता। अपने मन का दुख और तकलीफें दूसरे को बताकर हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। आचार्य चाणक्य बताते हैं, दूसरे लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपके दुख दर्द को समझें। अधिकतर लोग आपके सामने आपको सांत्वना तो देंगे, लेकिन आप जैसे ही वहां से जाएंगे तो वो लोग आपका मजाक बनाने लगेंगे। हर किसी के सामने अपने दुखों का बखान ना करें। अपने मन के दुख और तकलीफ सिर्फ उन्हीं लोगों को बताएं जो आपके बहुत करीबी हो और जिन पर आपको विश्वास हो। हर दोस्त या रिश्तेदार के साथ अपनी राम कहानी शुरू ना करें, ये आपका दुख कम करने के बदले और ज्यादा बढ़ा देगा। ऐसे कभी भी दुख कम नहीं होता, बल्कि अपने दुख को जानकर उसे दूर करने की सोचें, अपनी समस्याओं का समाधान निकालें। नंबर चार, धन की हानि। दोस्तों जीवन में कई बार ऐसा मौका आ जाता है जब हमें पैसों की तंगहाली हो जाती है, हम अपने धन और दौलत से हाथ धो बैठते हैं। पैसों की कमी से हमारा मोटिवेशन घट जाता है और हम खुद को कंगाल महसूस करने लगते हैं। ऐसे में कभी भी अपने कंगाली हालात को
दूसरों को बोलने से बचें। अपने खोए हुए धन की अगर आप जगह जगह चर्चा करेंगे तो लोग आपका मजाक बनाएंगे और आपकी मदद करना तो दूर की बात। दोस्तों, आजकल की दुनिया में ऐसे इंसान की कोई भी मदद नहीं करता जिसके पास धन दौलत नहीं होती। जब भी आपके साथ ऐसे हालात हो जाएं तो खुद को मजबूत बनाएं और ऐसे हालातों से बाहर निकलने की सोचें। चाणक्य जी बताते हैं, धन की हानि होने से सब कुछ खत्म नहीं होता। अपनी ताकत और खुद पर भरोसा रखें। ये दुनिया बदलती रहती है, सुख और दुख लगा रहता है, इसलिए अपना सम्मान करें और दूसरे लोगों को अपनी कोई भी बात ना बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।